गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पहल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। इसमें अपन आज बात करेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इसके अंदर अपन पांच चीजें पढ़ेंगे, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, इसी में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करना है और गुणनखंडों का औसत कैसे ज्ञात करना है, ये ऐड किया हुआ है। बात करते हैं सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 10 के गुणनखंडों की संख्या पूछ गया आपसे, 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 के गुणनखंड, 10 का गुणनखंड करना आपको आता है, क्या होता है? 2 और 5। लेकिन गुणनखंड यही नहीं होते हैं सिर्फ, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे देखिए। सबसे पहले 1, जो भी इसको डिवाइड कर दे वो सारे इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। फिर उसके बाद 2, उसके बाद 5 और इसके बाद 10। कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4 हो गए। ये सारे के सारे 10 को डिवाइड करते हैं। ये नॉर्मल बेसिक सी बात है। अपन को यह सवाल सोल्व कैसे करना है उसकी बात करते हैं अपन। कोई भी संख्या आपको दे दे उसके गुणनखंड आपको पूछ लिए जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 10 के फैक्टर कर लीजिए आप। 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 के फैक्टर करना आता है आपको, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, यानी क्या हो गए? 2 × 5, यानी 2 की घात 1, 5 की घात। ये घात इसलिए लगाइए क्योंकि आपका सॉल्यूशन घातों के अंदर ही है। कैसे? कोई भी संख्या और उसकी घात जितनी भी है उस घात को 1 बढ़ा के लिखो। घात कितनी होगी? 2। इस घात को भी 1 बढ़ा के यहां पे लिखो, घात कितनी होगी? 2। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 4 आ गई, जो अपन पहले ही गिन चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। आपको कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करना है, जितनी भी घात आए उसको 1 बढ़ा के लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पूछ लिया 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने का तरीका सिर्फ वही नहीं है, और भी है, वैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तरीका और बता देता हूं, आप इसको लिख लो 12 × 10, लिख सकते हैं। अब थोड़ा और आसान हो गया, अब देखो इसके टुकड़े करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3। इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 × 5। अब आप 2 की घातें लिख सकते हो, 2 की घात कितनी होगी? 3। 3 की घात कितनी होगी? 1। 5 की घात कितनी होगी? अब आपको गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो 3 घात है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। 1 घात है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2। 1 घात है तो यहाँ क्या आ जाएगा? घातों में एक एक जोड़ना आपको, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। ऐसे एग्जाम के अंदर और भी सवाल पूछते हैं, इससे भी बड़ी संख्या दे दे आपको, तो गुणनखंड कर लेना। सवाल आपको अगर एग्जाम में ऐसे दे दिया, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 8 × 5 की पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपके पास, तो वही करना आपको। 5 में 1 जोड़ दो 6 8 में 1 जोड़ दो 9 और 2 में 1 जोड़ दो 1 1 जोड़ देना घातों में। अब इनको गुणा कर लो, 6 × 9 = 54, 54 × 3 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 162 आपका। कुछ भी करने की आपको इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना भी बड़ा सवाल दे दे आप सोल्व कर पाओगे। आपको बोल दे 740 के गुणनखंडों की संख्या, तो इसको छोटा कर लो। कैसे करोगे? 74 × 10, आपको दिख रहा है कि 74 × 10 करेंगे तो 740 आ जाएंगे। अब 74 के टुकड़े क्या होंगे? 2 × 37, 10 के क्या आ जाएंगे? 2 × 5, ये क्या हो गया? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 37 की घात 1। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा अपना जो टॉपिक था वो क्या था इसके अंदर? सम और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात, ऑड और इवन। ठीक है, इनके गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है? तो वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं।
चाहे कोई भी गुणनखंड का अपन जब भी करेंगे तो उसमें कुछ गुणनखंड सम होंगे, कुछ गुणनखंड उसके विषम होंगे। जैसे अपन ने 10 की बात करी थी, इसके गुणनखंड क्या क्या थे? 1, 2, 5 और 10। इसमें से आपको दिख रहा है कि ये 2 तो क्या है, सम है, और ये 2 क्या है, विषम है। तो आपको सीधी संख्या अगर ज्ञात करने का कहा जाए तो कैसे ज्ञात करोगे इसको? बात करते हैं इस, एक सौ बीस में सम और विषम गुणनखंड आपको पूछ लिए जाए। तो अभी अपन ने गुणनखंडों की संख्या तो ज्ञात की थी, 120 के अपन फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे? वही मैंने बताया था तरीका, वैसे कर लेना। तो क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3, और इसको क्या लिखेंगे? 2 × 5। देखिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। अब इसके अंदर अगर आपको सम गुणनखंड निकालना है, सम, तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए 2 की पावर कितनी है 3। अब इसके अंदर आपको 1 नहीं जोड़ना है, ठीक है? 2 की पावर 3, पिछले वाले में अपन ने क्या किया था, 1-1 जोड़ा था और गुणनखंडों की संख्या अपने पास आ गई थी। अब अपन को सम निकालना है, तो सम इसमें क्या है? सिर्फ 2 है। इसमें जो घात है उसमें कुछ नहीं जोड़ना है, एज इट इज लिख देना। दूसरी घात में आप 1 जोड़ देना, और तीसरी घात में भी आप क्या कर देना? 1 जोड़ देना। कितना आ जाएगा? 6 को 2 से गुणा कर देना, इसके सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। और यही विषम गुणनखंड आपको पूछ ले तो विषम गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे? विषम गुणनखंड इसके हो जाएंगे, देखो 2 की पावर कितनी है 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर। इसके अंदर आपको विषम गुणनखंड पूछे जाए तो आपको क्या करना है? इसको आप छोड़ ही दो, आपको सिर्फ इतना ही देखना है, जो विषम वाली संख्या है, 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा 2, 5 की पावर कितनी है 1, 1 का कितना हो जाएगा, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके? 4। अभी अपन ने सवाल निकाला था 120 में कुल गुणनखंड कितने थे, 12 और 4 16 थे ना, तो ये देखिए इसमें सम थे 12 और विषम कितने थे 4, तो ये अपन ने इसमें निकाल लिया। तो कोई भी सवाल आपको दिया जाए, आप इसमें से सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड आपको पूछे जाए तो आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हो। अगली बात करते हैं अपन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 360 के सम और विषम गुणनखंड। और कुल भी ज्ञात कर लो, सारे एक ही, तीनों के तीनों मैटर आपके एक ही बार में क्लियर करवा देते हैं। 360 के गुणनखंड क्या करोगे आप? 360 के टुकड़े करोगे तो क्या होंगे? तो मैंने कहा था इनको छोटा करके लिख लेना, तो 18 × 20 लिख लो, इनको थोड़े इजी हो जाएंगे। अब इसमें भाग, इसके टुकड़े क्या हो गए? 2 × 3 × 3, और 20 के क्या हो गए? 2 × 2 × 5। तो 2 की पावर तो कितनी होगी? 3। 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें कुल संख्या पूछी जाए तो क्या करोगे आप? इसकी घात कितनी है? 3, तो जोड़ के क्या लिखोगे? 1 ज्यादा लिखना है कुल के अंदर, 2 का 3, 1 घात का 2, तो कुल गुणनखंड तो कितने हो गए? 4 को 3 से 12, 12 को 2 से किया कितने हो गए? 24। अब आपको सम पूछा जाए तो सम के अंदर मैंने क्या कहा था कि जितनी सम संख्या की घात है वो तो लेनी है आपको एज इट इज, उसके अंदर आपको न तो कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है। विषम संख्याओं में 1-1 जोड़ के लिखेंगे, 2 का 3 और 1 का कितना हो गया, तो आपको सिर्फ घातें देखनी है, संख्याओं से आपको मतलब नहीं रहा। तो 9, 9 को किया 18। अब आपको सीधा बताया विषम कितने हो जाएंगे, कुल 24 है, ये 18 है, तो कितने हो जाएंगे? 6 होने। लेकिन आप निकाल सकते हो इससे कैसे? इसको तो आपको छोड़ना ही है, 2 को तो विषम में लेना ही नहीं है। इसकी घात 2 है, 2 से 1 जोड़ा आपने, कितना हो गया? 3। इसकी घात 1 है, कितनी हो गई? 2, यानी कितने आ गया? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सीधा निकल गया। तो तीनों चीजें हुई। अगर टोटल पूछे जाए तो सब में घातों में 1-1 जोड़ के आप कुल गुणनखंड निकाल सकते हो इसके। सम पूछे जाए तो सम वाली घात सेम लेनी है, बाकी 1-1 बढ़ा के लेनी है, सम गुणनखंड आ जाएंगे। विषम में क्या करना है? इस 2 वाले मैटर को ही छोड़ दो, आपको सिर्फ ये रखना है 3 की घात 2, 5 की घात 1, 1-1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, तो ये कितने हो गए? तो सारे निकाल सकते हो, सम और विषम गुणनखंड आप इसमें। अगला पॉइंट है उसकी बात करते हैं अपन, अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। किसी भी सवाल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या दी जाएगी उसके गुणनखंड आप कर लोगे, या आपको ऐसे ही दिया हुआ आ सकता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 5 की पावर 7, और आपको पूछ लिया जाए इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बहुत इजी है, आपको सिर्फ इन घातों को जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपके पास आ जाएगी 4 + 5 + 7, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 7 और 5 = 12 और 4 = 16। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। बहुत इजी सवाल है, एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है, इसके अंदर आप अटक जाते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपके पास कोई भी घातों में अगर संख्या दी हुई हो और सारी अभाज्य संख्याएं हो, तो आप इनकी घातों को जोड़कर अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जाम्पल सीधा रह देंगे, ऐसे दे दे 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 4 की पावर 6, 6 की पावर 5, अब इसके अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में सबसे पहले ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की घात 2, और उसकी घात कितनी है, 6। 6 में क्या कर सकते हो आप, 2 × 3, अभाज्य में टुकड़े कर लेते हैं, 6 के टुकड़े कर लिए, 2 × 3, और घात कितनी है, 5। अब देखो आपके पास 2 की घात कितनी होगी, 5 तो ये होगी, ये कितनी होगी, 6 और 2, 6 को 2 से गुणा कर देंगे कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, जब घातें इस प्रकार हो, a की घात x और y, तो ये घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे कितनी घात होगी, 12। यहां पे 2 की घात कितनी होगी, 5। तो 2 की टोटल घात कितनी होगी, 5 और 12 17 और 5 22 गुणा। अब 3 की घातें कितनी है, 3 की घात यहां पे 7 है और 3 की घात यहां पे 5 है, 7 और 5 कितनी होगी, 12। ये दोनों तीनों आपके सारे अभाज्य संख्याएं आ गई और उनकी घातें आ गई। अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इनकी घातें अपन जोड़ देंगे। तो घातें कितनी है, 22 और 12 कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी आपके पास 24। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, इसके अंदर और भी बढ़िया एग्जाम्पल आएंगे तो आप कर सकते हो, कोई भी ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसी का एक सवाल वो ले लो, जैसे 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसके फैक्टर कर लो आप, तो क्या हो जाएंगे, टुकड़े करने हैं आपको, 18 × 20 360 होते हैं, अगर और टुकड़े कर लो आप, 2 × 3 × 3 20 के कर लो, 2 × 2 × 5 पहले भी किए थे अपन ने, तो ये हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो तीनों संख्याएं अभाज्य दिख रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, इनकी घातों को जोड़ देंगे, घात कितनी होगी, 3 और 2 = 5 और 1 = 6। आपका क्या हो गया, इसके अंदर आंसर हो गया 6। क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, किसमें, 360। चौथा पॉइंट था अपना गुणनखंडों का योग। भाई जितने भी किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि इन गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो गुणनखंडों का योग अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनका गुणनखंडों की संख्या पता करेंगे, फिर वो गुणनखंड निकालेंगे, फिर योग करेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, आपको दे दिया 240 के गुणनखंडों का योग, एक बार एग्जांपल देख लो, इसका सॉल्यूशन देख लो, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। ठीक है, 240 के गुणनखंडों का योग आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले फैक्टर तो करना ही है इसके, फैक्टर करने के लिए टुकड़े कर लो इनके, क्या करोगे, 12 और 20 कर ले, तो 12 × 20 240 होते हैं, इसके टुकड़े करने आसान हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 और ये क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5। अब इसके अंदर 2 की पावर कितनी होगी, 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
अब आपको योग पूछा है, न कि गुणनखंडों की संख्या, सम की संख्या, विषम की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन निकाल चुके हैं। अब इसके अंदर अपन को योग पूछा गया है, तो योग कैसे निकालना है इसका, तो योग ऐसे निकालेंगे। देखिए दो की घात कितनी है, चार। इसको अपन ऐसे लिखेंगे, दो की घात जीरो प्लस दो की घात एक, दो की घात दो, तीन और चार, जीरो से लेके चार तक लिखनी है। ऐसा ही तीन में करेंगे, तीन की घात जीरो, तीन की घात एक। ऐसा ही अपन पांच में करेंगे, पांच की घात जीरो और पांच की घात एक, प्लस करना। अब इसके अंदर दो की पावर जीरो का मान क्या होता है पता होना है, कि दो की पावर जीरो का मान क्या होता है, एक होता है, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी संख्या की जीरो घात का मान क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो ये हो गया एक प्लस दो प्लस चार प्लस आठ प्लस सोलह, ये सारे अपन ने सोल्व कर लिए। यहाँ पे तीन की पावर जीरो एक, तीन की पावर एक तीन, यानी टोटल कितने हो गए चार। ऐसे यहाँ पे एक प्लस पांच, अब देखो कितने हो गए, ये एक और दो तीन, तीन और चार सात और आठ पंद्रह, पंद्रह और सोलह इकतीस, इकतीस तो हो गए ये, गुणा चार हो गए ये और एक और पांच, ये कितने हो गए छह, गुणा कर लेना, ये आ जाएंगे आपके गुणन खंडों का योग, जितने भी गुणन खंड होंगे उनका योग आ जाएगा। ये कितना होगा, गुणा कर लेते हैं, 744। योग कितना आ जाएगा अपने पास, 744। तो कोई भी गुणनखंड निकाल लेना, उनको जीरो से लेके जितनी भी घात गुणनखंड में आ रही है वहां तक प्लस में लिखना है, और सारों को क्या करना है, बीच में गुणा करते जाना है, तो इनका आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही अगर पांच की घात दो होती तो यहाँ पे क्या लिखते, पांच की घात जीरो प्लस पांच की घात एक प्लस पांच की घात दो लिखते, तो आपका गुणनखंडों का योग आपको प्राप्त हो जाता, कितना 744। ठीक है, अब अगले की अपन चर्चा करते हैं। देखिए सम और विषम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको तीनों चीजें साथ में बता रहा हूं मैं, गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, तीनों एक ही ट्रिक पे डिपेंड करते हैं, और विषम गुणनखंडों का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 360। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, दो की पावर तीन, तीन की पावर दो, पांच की पावर। इसमें अपन सबसे पहले गुणनखंडों के योग की बात कर लेते हैं, तो गुणनखंडों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, दो की पावर जीरो प्लस दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो प्लस दो की पावर तीन, तीन तक लिखना है, तीन है यहां पर, गुणा फिर तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर, फिर ऐसे इसके अंदर पांच की पावर जीरो प्लस पांच की पावर, इनको आपस में क्या करना है। अब सम गुणनखंडों में अपन को क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं सम गुणनखंडों में अपन को क्या करना है, तो सम गुणनखंड ज्ञात करते समय अपने को इसके अंदर एक पद छोड़ना है, कौन सा, दो की पावर जीरो छोड़ना है अपने को, तो ये क्या आ जाएगा, दो की पावर एक प्लस दो की पावर दो प्लस दो की पावर तीन, गुणा तीन की पावर जीरो दो, गुणा पांच की पावर जीरो प्लस पांच की पावर एक, ये छोड़ना है अपने को इसके अंदर, बाकी सारा एज इट इज रह जाएगा। विषम गुणनखंडों में अपन को ये पूरा छोड़ना है, विषम गुणनखंडों में क्या करना है अपने को, ये पूरा ही छोड़ देना है पद, क्या रहेगा सिर्फ, तीन की पावर जीरो प्लस पांच की पावर, तो क्या आ जाएगा, देखो दो की पावर जीरो एक, एक और दो तीन, लिखता हूं यहां पे एक दो चार और आठ, आठ और चार बारह, बारह और दो चौदह और एक पंद्रह, गुणा ऐसे इसको जोड़ो एक प्लस तीन प्लस नौ, नौ और तीन बारह और एक तेरह, यहां पे एक और पांच कितने हो गए, इनको गुणा कर लो आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है, कितना आया 1170। ठीक है, गुणा कर लेना आप, ऐसे ही इसके अंदर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दो चार और आठ, दो और चार छह, छह और आठ चौदह,
गुणा, बाकी ये सेम आ जाएंगे, 13 गुणा, तो गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, करो आप गुणा, इतने ये कैलकुलेशन करते हैं, 1, 3, 4 और 9 ये आ जाएगा 78। और ये आ जाएगा 1092। और इनको जोड़ोगे दोनों को तो ये टोटल का योग आ जाएगा, तो आप ज्ञात कर सकते हो सीधा, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ा, जब सम ज्ञात करेंगे तो सिर्फ एक पद छोड़ना है जो अपन इसमें टोटल में ले रहे थे, 2 की पावर 0 छोड़नी है आपको, और उसके अंदर क्या करना है, ये पूरे के पूरे आपको छोड़ देने हैं, तो वो तो क्या आ जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग, और ये क्या आ जाएगा आपके सम गुणनखंडों का योग, और ये आ गया गुणनखंडों का योग। अब आपको एक चीज और पूछी जाती है सवालों में, गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए, गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। औसत का सूत्र आपको पता है क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अब गुणनखंडों के औसत में क्या करेंगे, गुणनखंडों का योग बटा गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करना मैंने बता दिया आपको, और गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी भी आपको मैंने बता दी है। सवाल कैसे आएगा इसकी बात कर लेते हैं, आपको पूछा जाए 120 के गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 120 के फैक्टर करने हैं, 120 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 × 2 × 5 तो 2 की पावर हो गई 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर। तो सबसे पहले तो गुणनखंडों का योग और फिर गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी मैंने आपको बता रखी है। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है आपको, 3 में आप क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, तो 4 गुणा इसमें 1 जोड़ोगे, 2 इस घात में 1 जोड़ोगे, तो 2 ऊपर क्या आएगा, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको, 2 को ऐसे लिखना 0 घात से लेके जितनी घात यहाँ पे गुणनखंड में आएगी आपकी वहां तक, ऐसे 3 को लिखेंगे और ऐसे 5 को लिखेंगे, तो ये क्या आ गया आपके पास, 2 की पावर 0 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 गुणा 3 की पावर 0 1, 1 और 3 4, यहां पे 5 की पावर 0 1, 1 और 5 बट्टे में क्या है, 4 गुणा 2 गुणा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ये हो गया 45/2 यानी 22.5, इसका औसत कितना आ जाएगा, 22.5। तो फ्रेंड्स ये आपके मैंने 5 बिंदु बताए आपको, सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, उसमें सम विषम की ज्ञात करना, फिर गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, उसमें सम विषम गुणनखंडों का अलग से योग ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या फिर सभी के गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।